75 लाख के इनामी नक्सली प्रद्युम्न शर्मा को झारखंड पुलिस ने किया गिरफ्तार। आज झारखंड पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। हजारीबाग पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चौपारण थाना क्षेत्र में घूम रहे 75 लाख के इनामी नक्सली प्रद्युम्न शर्मा को गिरफ्तार किया है। अपने साथियों के साथ ये भाग रहे थे, पुलिस ने दौड़ाकर जंगल में इसे पकड़ा और जब पूछताछ किया गया तो पता चला कि यह बहुत बड़ा माओवादी है। इनके ऊपर झारखंड सरकार 25 लाख जबकि बिहार सरकार 50 लाख का इनाम रखी है। कई एक मामले इनके ऊपर दर्ज हैं और इन्होंने झारखंड और बिहार दोनों पुलिस को नाकों में दम कर रखा था। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौठे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे संवाददाता भवेश मिश्र वहां मौजूद थे। क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक रतन चौठे ने, सुनिए। शर्मा और कोई नहीं है, ये भाकपा माओवादियों का सैक मेंबर है जिसके ऊपर झारखंड सरकार द्वारा 25 लाख का इनाम रखा गया है। बिहार सरकार का भी इनके ऊपर 50,000 रूपये का इनाम है। ये एक बहुत बड़े और शीर्ष नेताओं में से एक आते हैं सीपीआई माओइज्म के। ये हमारा ये मानना है कि ये ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का एक महत्वपूर्ण नेता है और ईआरबी के जितने सारे महत्वपूर्ण नेता है इनके सबसे पर्सनली ये टच में रहते थे। अरविंद जी हो गए जो अभी जिनका 3-4 साल पहले निधन हो गया, उनके टच में ये थे। किशन दा हो गए, उनके अतिरिक्त जितने भी सीसी और पीबी मेंबर्स थे उनके ये टच में हमेशा रहते थे और संगठन का विस्तार के दिशा में इनका एक अहम रोल रहा है। 1996 से ये सीपीआई माओइस्ट कम्युनिस्ट जो ये मूवमेंट है इसमें शामिल हुए थे। उस समय में एमसीसी और पीडब्ल्यूजी हुआ करता था। 2004 के बाद ये विलय होने के बाद सीपीआई माओइस्ट हो गया था। ये गिरफ्तारी प्रद्युम्न शर्मा का होने के पश्चात मेरा ये मानना है कि मगध जोन जो माओवादियों के लिए काफी इम्पोर्टेंट जोन रहा है उसका अब अस्तित्व करीब करीब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा नेता इनका गिरफ्तार हो गया है। इससे न सिर्फ माओवादियों का मनोबल गिरेगा बल्कि उनका आर्थिक तंत्र भी